नहीं जी, इस वक्त आपको ताज़ा तरीन इतला ये दे रहा हूँ कि शदीद शेलिंग है, मगर ये बुज़ुर्ग शहरी भी इमरान खान की फ़ोटो लेके यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इतनी शेलिंग हो रही है और आपकी इतनी उम्र है फिर भी पहुँच गए? हाँ बिल्कुल, देखिए खान अगर 70 साल की उम्र में 1.5 साल से जेल काट रहे हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और खान की एक कॉल पर अगर हम बाहर ना निकले, क्योंकि वो अपने ख़ानदान अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ा, वो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, तो ऐसे मौके पे खान को अकेला छोड़ देना ये कैसे मुमकिन है? नहीं जी, आप देख सकते हैं ये इमरान खान की फ़ोटो लेके बुज़ुर्ग हैं और ये यहाँ पे इस जगह मौजूद हैं और ये इमरान खान की फ़ोटो लेके आगे जा रहे हैं। गिरफ्तारी भी हो सकती है, शेलिंग भी काफ़ी हुई है, तबीयत भी यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी ख़राब हुई है। यहाँ पर शेलर भी आप रोड के ऊपर देख सकते हैं कि ये रोड के ऊपर ये आप शेल देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के ऊपर मारा गया, वो ये आप शेल भी देख सकते हैं, यहाँ पे शेल भी मौजूद है। और यहाँ से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक बड़ा काफिला आ रहा था उस पर जैसे शेलिंग हुई वो भी यहाँ से वापस चला गया। काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब है और अब तक की ये ताज़ा तरीन है, जैसे कोई और ताज़ा तरीन आती है इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होता हूँ। नहीं जी, इस वक्त आपको ताज़ा तरीन इतला ये दे रहा हूँ कि शदीद शेलिंग है, मगर ये बुज़ुर्ग शहरी भी इमरान खान की फ़ोटो लेके यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इतनी शेलिंग हो रही है और आपकी इतनी उम्र है फिर भी पहुँच गए? हाँ बिल्कुल, देखिए खान अगर 70 साल की उम्र में 1.5 साल से जेल काट रहे हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और खान की एक कॉल पर अगर हम बाहर ना निकले, क्योंकि वो अपने ख़ानदान अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ा, वो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, तो ऐसे मौके पे खान को अकेला छोड़ देना ये कैसे मुमकिन है? नहीं जी, आप देख सकते हैं ये इमरान खान की फ़ोटो लेके बुज़ुर्ग हैं और ये यहाँ पे इस जगह मौजूद हैं और ये इमरान खान की फ़ोटो लेके आगे जा रहे हैं। गिरफ्तारी भी हो सकती है, शेलिंग भी काफ़ी हुई है, तबीयत भी यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी ख़राब हुई है। यहाँ पर शेलर भी आप रोड के ऊपर देख सकते हैं कि ये रोड के ऊपर ये आप शेल देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के ऊपर मारा गया, वो ये आप शेल भी देख सकते हैं, यहाँ पे शेल भी मौजूद है। और यहाँ से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक बड़ा काफिला आ रहा था उस पर जैसे शेलिंग हुई वो भी यहाँ से वापस चला गया। काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब है और अब तक की ये ताज़ा तरीन है, जैसे कोई और ताज़ा तरीन आती है इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होता हूँ।